ग्राम पंचायत सेमली में 7,50,00,000 की लागत से बना डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अभी डैम को बने कुछ ही समय हुआ है और वहीं बारिश की पर्याप्त नहीं होने से उसके पहले से ही डैम फूटने लगा है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही इसको मामले को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया था। उसी के तहत बुधवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बड्डी बना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सेमली डैम पर धरना देकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त ठेकेदार पर कठोर कार्यवाही कर उसे ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की। वहीं दोषी अधिकारियों पर भी कार्यवाही कर डैम का पुनः निर्माण हो उसकी मांग ज्ञापन में रखी गई। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कार्यवाही नहीं होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह स्वयं आकर मुआयना करेंगे और कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उग्र आंदोलन किसानों के हित में करेगा। संसाधन विभाग से जो 7.5 करोड़ का स्टॉप डैम का निर्माण सेमली धाम पर कालीसी नदी के ऊपर किया जा रहा है, उसमें जो घटिया निर्माण हुआ है और ये हमारे बोलने से नहीं, ये खबर और इसकी सही जानकारी आप लोगों के माध्यम से अगर आप इसका थोड़ा अभी तक मुआवजा कर लिया होगा आपने और आप अगर वीडियो क्लिपिंग और फोटो लेके ये ऊपर तक और जनता तक पहुंचाएंगे तो आपको मालूम होगा कि हम सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि विपक्ष में, हम आम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाए हैं। इतना घटिया निर्माण आज तक हमने नहीं देखा अपने जीवन काल में कि जो लोग पंचायत ग्राम पंचायत के सरपंचों को बदनाम करते हैं उससे कहीं घटिया निर्माण ये जल संसाधन विभाग ने किया है और इस ठेकेदार की गिरफ्तारी साथ में पुनर्निर्माण इस डैम का पूरा तोड़ के और होना चाहिए। तब तक ये लड़ाई हमारी कांग्रेस लड़ती रहेगी और इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो वो निश्चित यहाँ अवलोकन करने आ रहे हैं और ये मामला वो ऊपर लोकायुक्त तक ले जाएंगे क्योंकि इसमें सारा सर भ्रष्टाचार है। भाई अपन क्या चाहते हैं इस मामले में? इसमें इसको पूरा तोड़ के नया निर्माण हो, जो दोषी है अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ठेकेदार तो निश्चित 100% उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उस ठेकेदार को गिरफ्तार करना। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या आगे कदम उठाएंगे? आगे हम आज तो हम सिर्फ ज्ञापन और एक शांति संदेश लेके आए कि इस पर कार्रवाई हो शीघ्र से शीघ्र और नहीं तो ये इन दीवारों पे हर नदी भली भरी रहेगी तो भी सब कांग्रेसी इस पर चढ़े हुए दिखेंगे। आप कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? हमने 7 दिन का दिया भैया, काफी मात्रा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए काला पीपल से दिनेश मेवाड़ा की रिपोर्ट।